Hello, guys, how are you? I hope that all you are very healthy and keeping yourself fit by doing a lot of exercise and you are happy just to get the homework at your home. So, with this hope, we are now going to start our invitation. This is the new topic. In earlier videos, we have completed poster making, okay, in which we learned what is the poster, uh, what is the purpose of drawing a poster. ठीक है फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर एंड देर आर सम टिप्स सम टिप्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राइंग द पोस्टर आल्सो सो इन दिस वे इन दैट पोस्टर मेकिंग टॉपिक वी डिड थ्री टाइप्स ऑफ रूल्स फर्स्ट वन कौन सा था आपका जो हमने एजुकेशनल पोस्टर बनाए थे वो सेकंड वन कौन से थे जिसमें हमने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए स्पोर्ट्स फंक्शंस uh, के लिए एनुअल मीटिंग्स के लिए ठीक है थर्ड वन कौन सा था जिसमें हमने जनरल टॉपिक पे पोस्टर बनाए थे सो so, ये तो हमारा रहा था पोस्टर मेकिंग के बारे में अब हम शुरू रहे हैं आज इनविटेशन होते क्या है इनविटेशन बहुत सुना है इनविटेशन ठीक है अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है आपके चार टॉपिक हैं कौन से कौन से नोटिस राइटिंग एडवर्टीजमेंट राइटिंग पोस्टर मेकिंग और इनविटेशन इन चारों में से कोई एक करना होता है किसी भी दो में से ऑप्शन आते हैं कि आप में कोई दो में से एक करना है चारों नहीं आते कभी भी ठीक है दो में से एक करना होता है लेकिन क्योंकि पता नहीं होता कि कौन से दो में से ही आएगा इसलिए चारों करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात हमारी नॉलेज भी इसके साथ ही बढ़ रही है ठीक है चारों के लिए इक्वल फोर मार्क्स का ही पैटर्न सेट होता है सो हम ये बता लगे कि सबसे पहले कि इनविटेशन होता क्या है इनविटेशन एक रिटर्न या फिर वर्बल रिक्वेस्ट होती है कि हम किसी को इनवाइट करें कहीं पे जाने के लिए कुछ करने के लिए सो इन्विटेशन इज अ रिक्वेस्ट अ अटेशन और एन टू टू गेट अनदर पर्सन यू एट अ स्पेसिफिक इवेंट यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है हम एक अटैम्प्ट करते हैं कि किसी पर्सन को किसी इवेंट पे हमारे साथ होना ही चाहिए वेन यू आज द पीपल टू अटेंड अ पार्टी विजिट योर बीच हाउस और विटनेस योर मैरिज यू इनवाइट दैम बाई गिविंग द एन इन्विटेशन तो क्या करते हैं हम हम क्या करते हैं उनको इनविटेशन भेजते हैं क्या आप हमारे साथ किसी पार्टी को ज्वाइन करें विज़िट करें या फिर किसी मैरिज वगैरह में चलें ठीक है शादी अटेंड करेंगे तो ये इनविटेशन भेजते हैं हम येस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन कार्ड ये हो सकता है इन्विटेशन कार्ड भी जिसको हम फॉर्मल इन्विटेशन बोलते हैं फॉर्मल क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है फॉर्मेलिटी मीन्स कि हमने फॉर्मल वर्ड यूज़ करने होते हैं सेट पैटर्न होता हम पैटर्न से बाहर जाके नहीं लिख सकते उसमें ठीक है और दूसरे तरीके के होते हैं लेटर फॉर्मेट में जो कि इनफॉर्मल होते हैं इनफॉर्मल मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभानी जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस बात करते हैं वैसे ही हमने इनविटेशन लिखने होते हैं कैसे इनफॉर्मल में ठीक है अब हम दोनों ही तरह के पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमें पता है कि मैन एक सोशल एनिमल है इसलिए उसके लिए इंट्रैक्शन करना कम्युनिकेशन करना इट्स वेरी नेचुरल थिंग आपस में बातें करते हैं ठीक है आपस में शेयरिंग करते हैं थाट्स की तो ये बड़ी नेचुरल चीज़ होती है इनफेक्ट इट हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल यानी कि हम बच नहीं सकते इस चीज़ को वी मे शेयर व्यूज़ इधर औरली और इन राइटिंग रिटर्न फॉर्म में शेयर करो अपने व्यूज़ को या फिर औरल ये आप पे डिपेंड करता है वी होल्ड मैनी सोशल फंक्शन क्योंकि हम सोशल बींग है सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंगेजमेंट करते हैं वेडिंग मैरिज एनिवर्सरी अपॉइंटमेंट प्रमोशन ये सारी चीजें हम करते हैं ठीक है तो इन्विटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोशल डील करने का एंड इन्विटेशन इज ए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टू एन इंडिविजअल किसी एक इंसान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पास हमारे साथ आए कहीं और हमारे साथ चले और टू डू समथिंग या फिर कोई आ, काम करवाना है उससे तब हम इनवाइट करते हैं ठीक है इनविटेशन कैन बॉथ फॉर्मल एज वेल एज़ इनफॉर्मल बता ही दिया मैंने आपको फॉर्मल वो होंगे जहाँ पे फॉर्मल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं ठीक है वो प्रिंटेड कार्ड्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो सोशल लेटर किस में होते हैं बड़ी फॉर्मल फॉर्म में होते हैं फॉर्मल इनविटेशन भी हमारे दो तरह के होते हैं कैसे एक तो हम प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड देते हैं जिसमें हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ इस पार्टिकुलर ओकेजन पे रहेंगे इस तरह के इन्विटेशन में हम कभी भी एड्रेस ही का नाम नहीं लिखते हैं ठीक है इनविटेशन कार्ड जैसे वेडिंग वगैरह के होते हैं तो सबसे ऊपर कभी भी ये नहीं आएगा कि मैं रोहन राहुल या आई मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ नहीं कंबाइन uh, होता है ठीक है उसके बाद होते हैं नंबर टू फॉर्मल टाइप हैंड रिटर्न हो जाते हैं ये लेटर वो हम लिखते हैं किसी वीआईपी को ठीक है किसी, किसी बहुत ज्यादा रिनॉन्ड या फिर प्रोमिनेंट पर्सन को क्यों? कि वो प्रिसाइड, प्रिसाइड करे प्रिसाइड का मतलब नेतृत्व करे प्रिसाइड करे एक सोशल कल्चरल या एजुकेशनल फंक्शन को हम किसी गेस्ट uh, uh, बनने के लिए बुलाते हैं इन इवेंट्स पे तो हमने क्या लिखना होता है फॉर्मल लेटर लिखना, तो लिखना होता है इस इन्विटेशन में वीआईपी का नाम जरूर लिखना होता है, बाद है, आर ये होती है। बड़ा बहुत इसमें एक सेट पैटर्न होगा फॉर्मल है पोलाइट होगा नंबर टू प्लीजेंट मतलब हमेशा अच्छी भाषा में लिखा होगा जैसे प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा खुशनुमा माहौल में टीज का मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा शिष्टाचार वेल well मैनर्स होते हैं इसमें इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या होता है टेक द शेप एंड फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर जैसे हम पर्सनल लेटर लिखते हैं जैसे कि हम अपने फ्रेंड रिलेटिव या फिर एक वन के साथ फेस टू फेस बात करते हैं वो होते हैं हमारे क्या इनफॉर्मल इन्विटेशन या इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं इसमें टोन कैसी होती है बड़ी रिलैक्स होती है किसमें इनफॉर्मल में रिलैक्स ठीक है फ्रेंडली वे में बात करते हैं हम अब सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन चलिए फिर से करेक्टर देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है ये सभी करेक्टरस्टिक्स आपको याद रखनी है सबसे पहले तो ये एक सिंगल सेंटेंस होता है ध्यान रखना है कभी कंटेंट में कभी भी कहीं भी बीच में फुल स्टॉप आपको नहीं मिलेगा ठीक है पूरा एक सेंटेंस लास्ट में जाके फुल स्टॉप सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है सिंगल सेंटेंस में प्रेजेंट करना है दूसरी बात फर्स्ट पॉइंट में दूसरी बात दी हुई है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए पर्सन का खास ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना सेकंड में नहीं लिखना थर्ड में लिखना है कैसे इन फर्स्ट पर्सन वी कैन नॉट यूज आई वी माई ओके सेकंड पर्सन ऑल्सो वी कैन नॉट यूज लाइक यू योर्स आई इनवाइट यू दिस इज टोटली रॉन्ग बट द थर्ड पर्सन मिस्टर एक्स वाई जेड इनवाइट मिस्टर ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर्मल इनविटेशन आर जनरली प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड फॉर्मल इनविटेशन का मतलब है प्रिंटेड कार्ड वी यूज देम टू इनवाइट द गेस्ट ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन किसी शुभ मुहूर्त पे इनवाइट करते हैं जैसे बर्थडे पे वेडिंग पे इनग्रेशन पे शॉप पे हाउसेस पे द इनविटेशन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन्विटेशन हमें वही बात है कि फाइव डब्ल्यूज़ के रूल का आंसर देगा मैंने आपको पहले ही बताया है चार जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं कौन सी कौन सी एडवर्टीजमेंट नॉट ईज पोस्टर मेकिंग और आज वाला ये इनविटेशन इन चारों में ही अगर आप फाइव डब्ल्यूज़ के रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी और आपके वर्ड भी क्रॉस नहीं होंगे यानी कि यू विल बी एबल टू राइट इन वेरी प्रिशाइज वे ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड वेरी इजिली फाइव डब्ल्यूज़ के रूल को फॉलो करना कि हु who, कौन होम किसको को वेन कब वेर कहाँ पे और क्या ठीक है जैसे कि हमने बता दिया यहाँ पे ओकेजन ओकेजन बताना होता है नेम ऑफ द इन्वाइटी होता है नेम ऑफ द होस्ट होता है डेट टाइम और जगह होती है वेन्यू होता है अदर डिटेल उसमें हम नाम इंक्लूड करेंगे डेजिग्नेशन इंक्लूड करेंगे ठीक है एड्रेस इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का जब कोई स्कूल ऑर्गेनाइज करा रहा है एनुअल फंक्शन उसके लिए इन्विटेशन देना है तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे नेम डेजिग्नेशन एड्रेस ठीक है स्पॉन्सर या होस्ट का हमने बताना है उसके बाद अगर कोई चीफ गेस्ट है कोई स्पेशल इन्वाइटी है ठीक है तो उसके लिए भी हमने नाम जरूर दे देना है प्रिंटेड फॉर्मल इन्विटेशन डोंट इंक्लूड नेम ऑफ द एड्रेसी अब ये ध्यान रखना है जो हमारे प्रिंटेड होते हैं और फॉर्मल होते हैं जो हम प्रिंट हमने सबके लिए करवाए होते हैं उसमें एड्रेसी का नाम नहीं होता लेकिन वी जो प्रि, प्रिसाइड करेगा इस फंक्शन पे उसका नाम जरूर से जरूर होता है एक दो और है आप फिर से देख लीजिए इनको हमने बता दिया है थर्ड पर्सन में होना चाहिए ठीक है कोई वी है तो उसका नाम भी ज़रूर अपेयर कराना है उसके बाद नेम ऑफ द इन्वाइटी इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन्वाइटी का नाम नहीं लिखना है ठीक है द एड्रेस इज एड्रेस इज़ टू बी रिटर्न ऑन द एनवेप ओनली यानी कि उसका नाम हमने कहा है जहाँ हम बाहर लिफाफे पे उसका एड्रेस लिखेंगे वहाँ पे होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है डेट ऑफ राइटिंग वो नहीं लिखनी हमने जिस दिन हम इनविटेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट बिल्कुल नहीं लिखनी डेट हम यूज़ करेंगे कंटेंट में वो डेट किसकी होगी वो डेट होती है इवेंट की कि ये इवेंट कब होने जा रहा है बता दिया है प्रेजेंट टेंस होना चाहिए पास्ट तो कभी नहीं होता क्योंकि हम आगे आने वाले फंक्शंस के लिए बुला रहे हैं देर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट सिग्नेचर नहीं करने सिर्फ लास्ट में सिर्फ लास्ट में हमने लेफ्ट कॉर्नर पर आर एस वी पी लिखना है क्यों क्योंकि इट इज़ अ फ्रेंच टर्म जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है रेप्रेस सिल्वॉस प्लेट ठीक है इसका मतलब रिप्लाई इफ इट pleases यू इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ इट, इट प्लेज यू फिर उसके नीचे हमें अपना नाम एड्रेस फ़ोन नंबर दे देना है नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉक्स में इसको रख देना है और वर्ड लिमिट पचास से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए ये छोटा सा फॉर्मेट है जहाँ पे फॉर्मेट के होंगे एक नंबर ये फॉर्मेट नहीं है मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रही हूँ कि एक नंबर आपका फॉर्मेट कहा जाता है दो नंबर में आपका कंटेंट आएगा जहाँ पे आपको फाइव डब्ल्यूज़ बताने हैं फिर एक नंबर में आ, आपका एक्सप्रेशन जहाँ पे आपको अपनी स्पेलिंग चेक करनी है ठीक है आपने फ्लुएंसी चेक करनी है ग्रामेटिकल एरर्स चेक करनी है ठीक है उसके बाद चलिए ये है फॉर्मेट आपका सबसे पहले होस्ट का नाम ऊपर बड़े बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े लेटर होने चाहिए नेम ऑफ द होस्ट में उसके बाद नंबर दो पे कोई भी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर्मेलिटी वाला कोई सेंटेंस यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं आप किसी का भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंट प्रेजेंस ठीक है नंबर थ्री पे परपज ऑफ द इन्विटेशन नंबर फोर पे नेम ऑफ द ऑनर जी उसके बाद डेट डेट टाइम ज़रूर बता रहे कि इवेंट कब कहाँ और किस समय पे होगा ठीक है इसके लिए हम कोई भी एब्रीवियशन यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल जो हमारा कंटेंट होगा उसमें कोई एब्रिविएशन नहीं क्योंकि काफ़ी वर्ड्स के लिए एक ही एब्रीवियशन चलती है उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस लोकेशन विद कंप्लीट एड्रेस आपने देना है ठीक है क्योंकि हो सकता है जिनको हमने कार्ड भेजे उनमें से कुछ तो हमारे नोन है उनके पास हमारे नंबर हो सकते हैं लेकिन कुछ जिनसे जिनको हम बहुत पहले से जानते हैं मे बी की वो पर्सन उनके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ना हो तो इसके लिए हमने जरूर कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है ठीक है फिर लास्ट में आर एस वी पी आपको पहले ही बताया है इसका इंग्लिश में मतलब होता है रिस्पोंड इफ इट इज यू सो आर एस वी पी एक बड़ा एलिगेंट एलिगेंट एब्रीविएशन होता है ठीक है जो कि एक फ्रेंच टर्म से आया है सो फुल फॉर्म क्या है रेपोंडे सिल्वास फ्लई विच इज़ इंग्लिश मीन्स तो इंग्लिश मीन्स का मतलब क्या होता है कि प्लीज़ रिस्पोंड कीजिए सो so, ये लिखना बहुत ज़रूरी है आर एस वी पी ठीक है क्यों क्योंकि एग्जैक्टली exactly हमें पता चल जाता है अक, अक्सर हम जो शादी के कार्ड होते हैं वहाँ पे कभी रिस्पोंड नहीं करते हैं ठीक है लेकिन इसका मतलब वो रिस्पोंड ही मांग रहे हैं कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो क्यों क्योंकि एग्जैक्टली exactly जो सेंडर है वो जानना चाहता है कि कितने लोग उस गेट टुगेदर पे आने वाले हैं ताकि फंक्शन में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो उसके बाद नंबर एट पे हमने टेलीफोन नंबर और एड्रेस वगैरह होस्ट का दे देना है और कोई डिटेल आप बताना चाहते हो अट्रैक्शन कोई बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो देखिए दिस इज द फॉर्मेट सबसे ऊपर नेम ऑफ द होस्ट फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फिर पर्पज ऑफ द इनविटेशन फिर नेम ऑफ दी डेट डे टाइम ऑफ द इवेंट फिर नेम ऑफ नेम ऑफ द प्लेस लोकेशन वेयर द फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड उसके बाद आर एस वी पी टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी लिखना हम लिख देंगे चलिए यहाँ पे एक फॉर्मल इन्विटेशन दिया हुआ है इसको बड़े ध्यान से देखते हैं मिस्टर एंड मिसेज वी के सिन्हा अब हमारा एक्सप्रेशन कोडली स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कोडली इन्वाइट्स यू यहाँ पे यू लिखने की कोई जरूरत नहीं कोडली इनवाइट विद द फैमिली ऑन द ओकेजन ऑफ ये पर्पज बता दिया कौन है नागपाल अब ये हमारा कंटेंट शुरू होता ध्यान से देखना कंटेंट में सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप है और कहीं नहीं है ये देखो संडे को सेवनटीन जून टू थाउजेंड बिटवीन टेन फोर्टी फाइव एंड इलेवन थर्टी ए एम एट द ब्राइड रेजिडेंस एंड टू टेक पार्ट इन अ रिसेप्शन ऑन द सेम डे रिसेप्शन भी उसी दिन है ठीक है बिटवीन सेवन फोर टू सेवन पी एम कहाँ पर उनके रेजिडेंस पे ही और रेजिडेंस कहाँ है पूरा एड्रेस भी दे दिया आर एस बी पे लिख दिया तो इस तरह से जब ये हमने फॉर्मल इन्विटेशन लिखा है किस किस चीज़ का रूल फॉलो किया है कि ये फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन है नंबर टू लेटर फॉलोज कन्वेंशनल पैटर्न बिल्कुल सेट पैटर्न है इसका सेंटेंस को ब्रेकअप किया गया है उसको डिफरेंट पीस में ऐसे अलाइन किया गया ऐसे जोड़ा गया है कि कि पूरा सेंटेंस मिलके हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है इम्पोर्टेंट नेटेंट नेम्स आर प्रिंटेड इन कैपिटल कैपिटल में दे देने हमें टाइम डेट प्लेस ऑफ वेडिंग एंड द प्लेस ऑफ रिसेप्शन आर स्टेटेड अच्छे से बता देने हैं फॉर्मल वर्ड यूज़ करने हैं कोडली हमने यूज़ किए हैं ओकेजन रेजिडेंस इस तरह से ये वर्ड हमने यूज़ किए हैं राइटर अपने आप को दे लिख रहा है क्यों क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं कर रहा है होल लेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेंटेंस ये भी हमने बताया है चलो अब एक आपको फॉर्मेट हम दे देते हैं श्यामला लैंड सन्स क्या कर रहे हैं एक अपना स्टोर खोल रहे हैं गैलेक्सी नोवल्टीज नाम से कहाँ पे द्वारका डैली में इसके इनोग्रेशन के लिए आपने एक इनविटेशन लिखना है देखिए कैसे सबसे ऊपर होस्ट कौन मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स अनाउंसेज ये हमारा पर्पज अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवल्टीज अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोडली इन यू यू याड योर बिना इन प्रेजेंस एट द ओपनिंग ऑफ गलेक्सी नोवल्टीज जनरल स्टोर कहाँ ये एड्रेस दे दिया बड़े बोर्ड लेटर में हमने लिखा है इनोग्रेशन क्योंकि मेन तो हमारा टॉपिक है ना इनोग्रेशन ऑन कब होगा ये संडे <coughs> को नाइन अक्टूबर को ठीक हैल डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन ऑल द गुड्स आर एस वी पी अपना फोन नंबर दे दिया नेक्स्ट हमारा इन्विटेशन बनाना है मिस्टर एंड मिसेज राजकरण ठीक है ये क्या कर रहे हैं फिफ्थ एनिवर्सरी है ठीक है थीके? बर्थ एनिवर्सरी उनके सन की तो उसके लिए बताना है तो मिस्टर एंड मिसेस राजकरण अब देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ठीक है पर्पज बताएंगे अगली लाइन में ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ फिफ्थ बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल कहां पे दे रेजिडेंस एड्रेस बता दिया कहां पे कब होगा ये भी बता दिया डेट कौन सी है वो भी बता दिया नीचे आर एस वे पे नेक्स्ट देखिए सिस्टर निवेदिता गोइंग टू मैरी अखिलेश ओके योर फादर मिस्टर के एस भारद्वाज हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट अ होटल ठीक है तो आपने उसके लिए फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मिसेज के एस भारद्वाज के बिहाफ पे ठीक है तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको मिस्टर एंड मिसिज के एस भारद्वाज उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रिक्वेस्ट प्लेजर ऑफ योर कंपनी और उसके बाद पर्पज ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर डॉटर निवेदिता विद अखिलेश सन ऑफ मिस्टर मिसिज एस एम जोशी ऑफ नैनीताल कब फ्राइडे ट्वेंटी फिफ्थ मे को ठीक है कहाँ पे होटल कुनाल न्यू दिल्ली में प्रोग्राम का क्या है फ्राइडे ट्वेंटी फिफ्थ मे को रिसेप्शन ऑफ बारह डिनर वेडिंग सेरेमनी ठीक है सैटरडे ट्वेंटी सिक्स को जो प्रोग्राम है वो बता देना है इधर आर एस वी पी में अपना नाम कॉन्टेक्ट नंबर उधर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव एंड फ्रेंड ठीक है तो इस तरह से ये बहुत सारे यहाँ पे हमने स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए इन्विटेशन दे रखा है कौन बुलाने वाला है द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर से सॉलिस

okay so in this way i think you are able to write informal invitation okay so thank you